कि आप जानते हैं कि इन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान भाइयों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है, और उसमें एक बड़ी बात ये आई है कि कल पीएम हमारे कंट्री के मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया और 2-2 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात कही, जिसके ऊपर किसानों ने अपने आपको बहुत बेइज्जत महसूस किया कि क्या मात्र हम 2 हज़ार में ही हमारी ज़िंदगी चल जाएगी जी। और इस को ग्राउंड बनाकर कांग्रेस ने गया के शहरी क्षेत्र में इसके ऊपर आंदोलन शुरू किया, मैं एक झलक दिखाऊंगा। और दिल्ली का हालात तो आपके साथ मालूम ही है, आप तक हम न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आप सभी चैनल पे देखेंगे कि आज 31st डे ऑफ किसान आंदोलन है, आज 31वां दिन है दिल्ली के अंदर आंदोलन का। तो अभी देखते हैं कि ये आंदोलन क्या रूप लेता है और सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में अभी तक विफल नजर आ रही है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ये हमारे देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है, और किसान भाइयों को मजबूर कर दिया गया है कि उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। चाहिए 2 हज़ार की ठीक नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। 2 हज़ार की ठीक नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। देश के किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 2 हज़ार की ठीक नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। चाहिए 2 हज़ार की भीख नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। चाहिए काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में जोर जुल्म के टक्कर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल जो देश के प्रधानमंत्री 2-2 हज़ार रुपया देश के किसानों को भीख देने का काम किया है, उसके खिलाफ आंदोलन और तेज हुआ है। देश के किसान 2 हज़ार रुपये का भीख नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारा जो धान उपज हुआ है वो 900 से 1 हज़ार रुपये क्विंटल नहीं बिके, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया जो है उस दाम पर बिके। लेकिन प्रधानमंत्री कल ये घोषणा किए कि मैं देश के किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया दे रही हूँ, लेकिन देश के किसान बेवकूफ नहीं है। वो अपना धान चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, सभी जगह के किसान 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल अपने धान बेचने को मजबूर है, जबकि किसानों का मांग है कि हमारा कहीं भी देश के बाजार में 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान बिके। यदि 2 क्विंटल भी सही दाम पर धान बिक जाएगा तो उसे 2 हज़ार रुपये की मुनाफा होगी। इसलिए मोदी सरकार देश के किसानों को बरगलाए नहीं, विपक्षियों के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोले। आज कांग्रेस पार्टी इस आवाज को बुलंद करने का काम किया है कि 2 हज़ार का भीख नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, और तुम्हें किसान के खाते में देना ही है तो प्रति माह 6 हज़ार रुपये के हिसाब से 72 हज़ार रुपये सालाना दो, जो कि न्याय योजना का मांग है। और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकार उन दोनों राज्यों के किसानों में देने का काम कर रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।